हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 8 वर्षों से कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मेहनतकश किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से देश में जिला स्तर पर शुरू होने वाले 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उचित दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खादें, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के साथ कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे कि मिट्टी परीक्षण एवं बीज परीक्षण की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एवं बायो फर्टिलाइजर भी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे ताकि किसान इनका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों के आरंभ होने से अब इन सभी सुविधाओं के लिए किसानों को अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन समृद्धि केंद्रों पर छोटे कृषि उपकरणों से लेकर आधुनिक कृषि ड्रोन तक सभी उपलब्ध रहेंगे जिसे खेती की जरूरतों के लिए किसान साथी आसानी से किराए पर ले सकेंगे या खरीद सकेंगे। किसानों को इन समृद्धि केंद्रों पर बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक देश एक उर्वरक नारे के तहत देश में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब उर्वरक एक ही ब्रांड यानी कि भारत ब्रांड में ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब किसानों को किसी विशेष प्रकार के ब्रांड की खाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत ब्रांड की खाद सभी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे अन्नदाता लगातार सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। सरकार के ये कदम किसानों को पूरी ऊर्जा खेती में ही लगाने की निश्चिंतता देंगे जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत आभार पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय का।